के बवाना में तीन फैक्ट्री में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का परिवार अपनों को खोने के दर्द में बिलख रहा है, मगर जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। तेरी गलती की ओछी राजनीति भी शुरू हो गई है। हादसे के बाद जब मीडिया उत्तरी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर प्रीति अग्रवाल के पास पहुंचा तो वो चुपके से अपने सहयोगी के कान में ये कहती नजर आई कि फैक्ट्री का लाइसेंस हमारे पास है तो हमें कुछ नहीं बोलना। सोशल मीडिया पर मेयर के इस बयान पर काफी गुस्सा फूटा। आखिर कौन है इन 17 जिंदगियों का गुनहगार? इन धमाकों, इन लपटों में 17 जिंदगियां राख हो गई। इस 3 मंजिला इमारत में 3 फैक्ट्रियां चल रही थी। 20 जनवरी की शाम करीब 6:15 बजे आग लगी और चंद मिनटों में आग ने पूरी इमारत को अपने आगोश में ले लिया। 17 लोगों का जिस्म आग की लपटों में खाक हो गया। इस भयंकर हादसे के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम की मेयर प्रीति अग्रवाल हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची। आग लगने की जानकारी जुटाने के लिए मीडिया वालों ने उनके आगे माइक बढ़ाया, लेकिन मीडिया से बात शुरू करने से पहले ही प्रीति अग्रवाल ने जो कहा उसी ने दिल्ली के जख्म पर नमक छिड़क दिया। इस फैक्ट्री की इससे पहले कि प्रीति अग्रवाल मीडिया को कुछ बताती, उन्होंने पहले अपने एक सहयोगी के कान में धीरे से कुछ बोला ताकि वो और उनकी पूरी टीम एक सुर में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सके। प्रीति अग्रवाल के इस वीडियो पर सोशल मीडिया आग बबूला हो गया है। लोग लिख रहे हैं, मतलब लाइसेंसिंग अगर सरकार के पास होती तब आप बोलती, इससे शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता। हर जगह भद पिटने के बाद जब प्रीति अग्रवाल से सफाई मांगी गई, तो अपने बयान से तो वो पलटी ही, लेकिन उल्टा आरोप भी लगा दिया। इस तरह का एक झूठा वीडियो वायरल कर देना और दिल्ली की जनता को भ्रमित करना, क्या ये चीज ठीक है? अगर मैं कहीं पर गई हूँ, किसी एरिया में गई हूँ, तो मुझे अपने साथी कार्यकर्ताओं से ये तो पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जगह किसकी है, या उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी और फीडबैक तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक सच्चाई भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एरिया है ये DSIDC का है। मामले के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली प्रदेश BJP के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी वायरल वीडियो को फर्जी ही बता दिया। इससे घटिया हरकत क्या हो सकती है कि 17 लोगों की दर्दनाक मौत के समय एक झूठे वीडियो को अरविंद केजरीवाल खुद रिट्वीट करे। ये जगह, ये फैक्ट्री, इसका लाइसेंस सब दिल्ली सरकार और उसके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है और गैर कानूनी चलवा रहे थे सर। प्रीति अग्रवाल तो वीडियो को ही झूठा बता रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिप महज 18 सेकंड की है। ऐसे में हमने प्रीति अग्रवाल के बयान की ही पड़ताल की। हो सकता है कि उनकी जुबान से निकले ऑफ द रिकॉर्ड शब्दों को सही नजरिए से पेश ना किया गया हो। हमने प्रीति अग्रवाल का रविवार रात को दिया पूरा बयान शुरू से सुना। ये है प्रीति अग्रवाल के बयान से पहले का वीडियो। शुरुआत में वो किसी से फोन पर बात करके हादसे की जानकारी दे रही हैं। अब मीडिया वाले उनका बयान लेने के लिए अपने अपने माइक आगे कर देते हैं। आधिकारिक बयान अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मीडिया के कैमरे सेट किए जा रहे हैं। इस बीच मीडिया को कुछ भी बताने से पहले प्रीति अग्रवाल अपने सहयोगियों को इशारा करती है और उस वक्त रिकॉर्ड हो गई उनकी आवाज। इस फैक्ट्री की मेयर प्रीति अग्रवाल का वायरल हो रहा है वीडियो किसी के निजी मोबाइल से लिया गया वीडियो नहीं है, बल्कि देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ANI के कैमरे से रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो है। BJP के लाख विरोध के बावजूद भी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसे डालकर इसके सत्यता पर मुहर लगा दी है। News 18 India की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई।